नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, फिर एक एग्जाम्पल लेके हम आपके सामने हैं और आज का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित या किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये सर्विस में तो थे लेकिन इनके एम्प्लॉयर ने इनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि इनका पैसा तो जमा हुआ ईपीएफ में भी जमा हुआ, लेकिन इन्होंने बैक लेते रहे। ये इनकी बार बार कंपनी का कुछ ऐसा होता रहा कि ये कंपनी बंद हो जाएगी वगैरह वगैरह। जब ये होता रहा तो इन्होंने ये बार बार उस पैसे को वापस लेते रहे। जॉब तो इन्होंने किया लेकिन ना ही इनका पीएफ में पैसा है ना ही ईपीएफ में पैसा है, जबकि ये दोनों के मेंबर थे और दोनों के मेंबर होने के बावजूद भी इन्होंने ये किसी डर की वजह से कि कंपनी बंद हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा, तो अपना पैसा ईपीएफओ से भी निकलवाते रहे। जबकि आप ईपीएस का पैसा ईपीएस में पड़ा रहने देते और पीएफ का पैसा पीएफ में पड़ा रहने देते, ऐसा हो सकता था। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो आदमी डर जाता है कि कल कंपनी बंद हो रही है, कल क्या होगा मेरे पैसे का, इसलिए पैसे वापस ले लो। सितंबर 2010 तक अपना पैसा इसी तरह डिफरेंट कंपनीज में जॉब किया लेकिन इस तरह अपना पैसा वापस लेते रहे। अक्टूबर 2010 से फिर इन्होंने नॉर्मल अपना पीएफ भी जमा किया और ईपीएस भी पेंशनर पेंशन के मेंबर बने ये दोबारा से, और इन्होंने अपना पैसा जमा किया। लेकिन पैसा जमा जितना भी किया है उसके बाद में अक्टूबर 2010 से शुरू करके इन्होंने यानी जस्ट 10 साल कंप्लीट किए, अक्टूबर 2020 यानी 10 साल एक महीने लगभग कंप्लीट किया, एक महीने से भी कम ही यानी 10 साल से ठीक ज्यादा, यानी ये पेंशन के हकदार बन गए। अब पेंशन के हकदार बन गए तो जितना पैसा जमा किया है आपने, आप नेचुरल है जितना कंट्रीब्यूशन दिया, ये हमारी कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसी प्रकार से आपको पेंशन मिलेगी। तो देखते हैं कि इनका केस क्या बनता है। तो इन्होंने यह जो इन्होंने फिर भी पैसा जमा किया है वो पैसा जमा किया है, ये टोटल पैसा जमा किया है, ये टोटल इन अमाउंट मिला इतना, इन्होंने 1,42,726 रुपये जमा किए 8.33% और 1,556 रुपये इनका 1.16% होता है और 1,14,627 रुपये आपने ईपीएफओ में जमा किए। 29,655 रुपए हायर पेंशन लेने के लिए आपको केवल 29,655 रुपए देना है। और इस 29,655 ये है मूल अमाउंट है। तो इंटरेस्ट सहित कितना देना है आपको? इंटरेस्ट सहित आपको 61,349 रुपीस देना है। ये भी मार्च 24 तक का हमने कैलकुलेट किया है। 61,349 रुपीस मात्र आपको देना है। टेबल टू में हमने इनके केस की पूरी की समरी बनाई है और समरी यदि आप देखेंगे तो समरी में यही चीजें जो दी गई हैं। टेबल थ्री में हमने इनका वो बनाया है, इनके पैसे की प्रेजेंट वैल्यू ली है हमने, और टेबल फोर में हमने इनकी एवरेज सैलरी वगैरह कैलकुलेट की है। तो एवरेज सैलरी हम देखते हैं इनकी कितनी आती है। एवरेज सैलरी इनकी आती है 16,915 रुपए और 12 महीने की आती है 12,288 रुपए और 14,671 रुपए। तो चलिए अब हम चलते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। इनकी प्रेजेंट पैसा जो इन्होंने जमा किया है उसके पैसे की वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे और इनके
इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो इनके प्रेजेंट पैसे की वैल्यू इन्होंने 1,14,627 रुपए जमा किए हैं और काफी लेट जमा किए हैं, इसलिए इनके पैसे की वैल्यू पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 2,15,783 रुपए इनके पैसे की वैल्यू होती है। अब हम ये पेंशन कैलकुलेट करेंगे। पेंशन हम इनके कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि 30 अक्टूबर 1962 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1 अक्टूबर 2010 इनकी ज्वाइनिंग डेट ली गई है, और इनको जो है 29 अक्टूबर 2020 को आपका रिटायरमेंट है। इस तरह केवल इनके 10 साल सर्विस होती है, 10 पॉइंट समथिंग सर्विस होती है ईपीएस में, और इनको फैमिली पेंशन स्कीम का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने 95 से पहले का इनका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। अब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट पेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो चूंकि इनके 10 साल ही है इसलिए 730 दिन यानी बोनस टाइम इनको नहीं मिलेगा। 14,761 इनका एवरेज आता है। इनकी जो पेंशन कैलकुलेट होके आती है वो 1663 रुपए कैलकुलेट होके आती है, और इनको जो पेंशन मिल रही है वो भी 1663 रुपए ही मिल रही है। यानी इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पेंशन कैलकुलेशन की एक्यूरेसी कितनी है, कि 1663 इनको ईपीएफओ से मिल रही है, हमारी भी 1663 कैलकुलेट होके आती है। अब हम जब इनकी हायर पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो हायर पेंशन 60 महीने के हिसाब से इनकी कैलकुलेट होके आती है 2435 रुपए पर मंथ, 2435 रुपीज पर मंथ, और प्रोरेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है 2176 रुपए। ठीक है जी, 2176 रुपए दोनों केसेस में, चूंकि इनका बोनस ईयर है, बोनस टाइम है नहीं, बोनस समय नहीं है, इसलिए दोनों केसेस में बराबर आएगी। अब हम चलते हैं इनकी पेंशन का एरियर देखते हैं। तो इनको 772 रुपए पर मंथ के हिसाब से एरियर मिलेगा 60 महीने के केस में, और 513 रुपए के हिसाब से मिलेगा यदि प्रोरेटा लागू होता है तो। और इनको जो अभी पेंशन मिल रही है उसका हम देखते हैं कि ये मिल रही है इनको 1663 रुपए। तो इस तरह आपको जो 762 रुपए के हिसाब से जो पेंशन का एरियर मिलेगा वो मिलेगा 31,652 रुपए, और प्रोरेटा केस में 21,033 रुपए। और अब तक 1663 के हिसाब से 68,183 रुपए ये पेंशन का एरियर ले चुके हैं। इस तरह यदि हम इनकी समरी देखते हैं तो 61,349 इनको जमा करने हैं और 1,14,627 रुपए आप जमा कर चुके हैं। इस तरह आपकी जो टोटल वैल्यू, ये आपके पैसे की वैल्यू हुई 2,15,783 रुपए, और टोटल आपका जो जमा होता है ईपीएफओ में वो हो जाएगा 2,77,132 रुपए यदि आप ये 61,000 रुपए जमा कर देते हैं तो। आपको रिटर्न क्या मिलेगा, 68,183 रुपए तो आपको पेंशन का एरियर अब तक मिल चुका है। आपको यदि आप 61,000 जमा करते हैं 31,000 आपको आपका एरियर मिल जाएगा 31,652 रुपए। तो इस तरह 99,835 रुपए ये आपके टोटल आपको मिल जाएंगे। तो 1,77,297 रुपीज फिर भी आपके बचे। 1,77,000 यदि 60 महीने के केस लागू होता है और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 1,87,000 जो कि आपके अगले 73 महीने में, मतलब 12,672 लगभग 6 साल में आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। यदि हम आपके पैसे की रिकवरी देखते हैं 8.2% से, तो 8.2% से लगभग 55 महीने में 60 महीने के हिसाब से, और लगभग 66 महीने में आपकी यदि प्रोरेटा लागू होता है तो लगभग 66 महीने में आपकी विद इंटरेस्ट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका जो ये अमाउंट है आप इसको इस तरह आप डिसाइड कर लीजिए। चूंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं जमा करते हैं तो भी क्या स्थिति बनेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपकी ये कैलकुलेशन की है कि 2,15,783 रुपए आपके जमा होंगे और 1663 रुपए आपको पेंशन मिल रही है। तो इस तरह यदि आप इस पैसे से इसकी रिकवरी सोचना चाहें, जो आपका बचा हुआ है, जो आपका जमा है, तो उसकी वैल्यू, उसकी रिकवरी कब होगी जाके, ये हम देखते हैं।
ये हमने, चूंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो इस पेंशन अमाउंट से कम है, इसलिए रिकवरी तो हो जाएगी आपकी, लेकिन रिकवरी कब होगी ये हम देखते हैं। रिकवरी हमने इससे कैलकुलेट की है मंथ वाइज 8.2% इंटरेस्ट हमने माना है कि आपके पैसे पे 8.2% इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम इसको आउटगोइंग में से लगभग 7% मानते हैं तो 7% मानेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगी। 286 महीने में यानी अगस्त 44 तक आपके पैसे की वैल्यू निकल पाती है प्रेजेंट पेंशन से। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको बेटर है कि आप ये 61,000 रुपए जमा कर दें और जितनी भी पेंशन आपको मिले वो कम से कम आपके 66 महीने में तो रिकवरी हो जाएगी। और जब 66 महीने में रिकवरी हो जाएगी तो आप उसे देखेंगे कि अदरवाइज आपकी रिकवरी जाके अगस्त 2044 में जाके होगी आपकी रिकवरी। तो इस तरह है दोस्तों, ये एक सबसे छोटा एग्जाम्पल हमारे पास आया है। और तो RMTG आपको ये मेरी ये सलाह रहेगी कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 61,000 रुपये विद इंटरेस्ट जमा करने हैं और आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो लगभग 700 रुपये की, 772 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन 61,000 जमा करने के बाद। और इसकी रिकवरी आपकी लगभग 6 साल में होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।